हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ये मैं कि देखिए क्या लेकर के बैठी हूँ। और आप जानते ही होंगे कि TGT का फॉर्म आ चुका है, लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि पीछा छोड़ता ही नहीं है। और हम जब फैमिली वाले होते हैं तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाती है। बच्चे लोग अभी स्कूल चले गए हैं, मॉर्निंग स्कूल हो चुकी है, और इधर मैं ये पिजन पी को रात भर के लिए सोप होने के लिए छोड़ दी थी, और ये सोप हो चुका है बहुत अच्छे से। और काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स कि काम को निपटाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ख़ुद के लिए समय भी निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने सपने को पाना चाहते हैं तो समय तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करना ज़रूरी है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सोख हो चुका है, और इसको मैं अभी धूप में ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। 2-3 दिन लगेंगे इसको ड्राई होने के लिए, तभी अच्छे से अरहर का दाल निकलेगा। और इसी से हम अरहर दाल बनाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत भी लगी है इसको मतलब उगाने में। आपने पिछली वीडियो में आप देखे ही होंगे। तो गाइस, ये मेरे बगल में मैं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ सामने धूप आ रही है। अभी मेरे यहाँ पीछे दोपहर तक आ जाती है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अभी इसको फैला दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से सूख जाए और थोड़ा काम आसान हो जाए। मेरा जल्दी सूखेगा तो भी मैं कुछ जल्दी ये काम निपटा लूँगी। तो बस फ्रेंड्स, अपने सपनों के साथ साथ हमें काम को भी देखना है। बहुत काम फैल जाता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ सीखनी पड़ती है। हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बदलने के लिए कुछ तो दृढ़ निश्चय लेना ही पड़ेगा, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो गाइस, हमें सीखनी चाहिए वो चहचहाते चिड़ियों से, जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। समय पर उठना और समय पर सोना वे जानते हैं, क्योंकि हम जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी सुबह जाग पाएंगे। यानी नींद नहीं पूरा होने के कारण भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारा दिमाग नई ऊर्जा को सोच ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, अगर ये आराम नहीं इसे मिले तो ये भी चिड़चिड़ा हो जाती है, और आदतों को बदल देने से हमारा लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक नई पॉजिटिव थॉट के साथ में। तो गाइस, आज हम एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, कहते हैं ना, कदम छोटे हो या बड़े कभी रुकने नहीं चाहिए। कदम छोटे हो या बड़े कभी रुकने नहीं चाहिए। चाहे हम किसी भी उम्र के हो, जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर उसको हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर करना चाहेंगे तो बेझिझक बहुत ही हम कामयाबी की ओर जाएंगे। तो कहते हैं ना, कदम छोटे हो या बड़े कभी रुकने नहीं चाहिए। स्टेप्स मे बी स्मॉल और बिग, यू शुड नेवर स्टॉप। तो बस मिलती हूँ इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।